हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज साधना संजीव। तो आज मैं आप लोगों को मिथिलांचल का बहुत ही अच्छा कल्चर का एक बहुत ही सुंदर सा त्यौहार दिखाने वाली हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं आंवला का नौमी। यानी कि आज कार्तिक का नौमी है, कार्तिक मास का नौमी। तो आज के दिन हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है। दाल की पूड़ी, खीर, सब्जी, ये सब कुछ बनेगा। और यहाँ पे अभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, ये देखिए चाय पानी चल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हाँ, इनकी बड़ी सिस्टर भी आ रही है, यानी कि हमारी बड़ी ननद। कैसा लग रहा है आपको आ रही है? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरी बड़ी बहन आ रही है, वो बचपन से मुझे पाली है, गोद में खिलाई है। तो वो आ रही है, उनके साथ बहुत मजा आता है। वो बड़ी तो है लेकिन एकदम हमारे साथ ढल जाती हैं और हम लोगों के साथ बहुत मस्ती करती हैं। तो मस्ती करते करते आज हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाएंगे, बहुत अच्छा भी लगता है ये। तो चलिए, वो दीदी आ रही है, तो चलिए हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आती है तो मैं आपको उनसे भी ज़रूर मिलवाऊँगी और आंवले के पेड़ के नीचे बनाएंगे खाना। तो अभी वो आएंगी, उसके बाद हम लोग घर में बनाएंगे उनके लिए चाय वगैरह। फिर उसके बाद हम गैस को और सिलेंडर को शिफ्ट करेंगे आंवले के पेड़ के नीचे और वहाँ पे बनाएंगे। ऐसे तो मिट्टी के चूल्हे पे भी बना सकते हैं, मतलब जो गोबर वगैरह से जो चूल्हा बनता है उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे बना रहे हैं गैस स्टोव पे और सिलेंडर का यूज़ करके। तो चलिए बने रहिएगा और देखिएगा हमारा ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल आंवला का नौमी। तो देखिए, यहाँ पे आंवले का पेड़ है हमारा बहुत बड़ा सा, ये रहा। इसमें आपको आंवले भी दिखाई दे रहे होंगे। आंवले की मैंने पूजा कर दी है, मतलब यहाँ पे दिया वगैरह सब जला दिया है। यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, तुलसी की भी हमने दिए जला दिए। और ये आंवला है, इसके नीचे आज हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे जा रही है मम्मी जी। मम्मी जी बताइए आज क्या क्या होता है। आज इधर आके बताइए। आज अच्छे ना नौमी है। ये लाइट नहीं जलती क्या? जलती है, जला दो। ये देखिए हमारे भोलेनाथ का मंदिर। और ऊपर जा, ये देखिए और ऊपर जाके दिखाते हैं। यहाँ पे जोत बाती शाम की हो चुकी है और यहाँ पे सुबह सुबह जल भी डालते हैं सब लोग, बेलपत्र डालते हैं। ये हमारे नंदी भगवान जी हैं, ये दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। और यहाँ पे है आशुतोष महाराज जी, जिनसे गुरु ज्ञान लिया है मम्मी जी ने। सारी देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियां हैं यहाँ पे। अब चलिए, अब चलते हैं मम्मी जी के पास। आंवला दिखा दिया। हाँ, आंवला भी दिखाया है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर आंवला इसमें फरा हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आंवले की पूजा हो चुकी है, समी देव की पूजा शक्ति हो चुकी है। अब मम्मी जी बताएंगे आज क्या होगा। अच्छा, नवमी है। आज शुभ माना जाता है, औरा के पास खाना बनाते हैं तो भवसागर से पार होते हैं, अक्रम भी करता है, विष्णु भगवान के अंश है औरा, तो इसीलिए इनके माना जाता है। जे औरा तर खाना बनाएंगे और जो खाएगा उसको कल्याण होगा, भवसागर से पार होगा। तो भक्तों आप भी आ जाइए, लाइव करिए, आप भी औरा के पेड़ तर आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। और हमारी बड़ी ननद आ रही है आंवला के पेड़ का खाना खाने के लिए। हमारा अभी बनाने जा रहे हैं। और आपकी बड़ी बड़ी बेटी आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रही है। बड़ी बेटी आ रही है तो वो भी औरा के पेड़ के प्रसाद खा लेंगे। हाँ, अच्छी नवमी के। और सभी भक्तों आज के दिन टिकरी का सार भी लेके खाना चाहिए उठ के, जो ना बनाता है वो आंवला के पेड़ लगाकर उठ के खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बहुत उत्तम होता है। कादशी कैला के व्रत के फल होता है ये, आंवला के पेड़ तर खाना खाना है। चलिए ठीक है, फिर आप खाना बनाते समय आपसे मिलते हैं, तब तक सारी हम तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे लगाना सारे मसाले वसाले, आटा दाल जो भी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आज अक्षय नवमी वाले दिन हमारी बड़ी ननद आ चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने भाभी लोग के साथ है ना, भोजन करूंगी अक्षय नवमी का। हाँ। भोजन करूंगी और अभी पी रही है चाय। ये हम चाय है।
बहुत अच्छी चाय है। पहले तो फीकी हो गई थी लेकिन अभी बहुत अच्छी है। हाँ पहले फीकी हो गई थी थोड़ी सी। और यहाँ देखिए नेपाली एप्पल छोटे छोटे से। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं आंवले के पेड़ के नीचे खीर पूड़ी। यहाँ पे खीर बना रही है भाभी जो कि फ्राई करके बना रही है चावल को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। गोभी को पहले फ्राई करके जो नॉर्मल तरीका होता है गोभी को फ्राई करके आलू को बॉईल करके उस तरीके से। साधना हाँ ये देख इधर छोटे को एक चाय का ऑर्डर भी है। और आंवला के पास खाना बनाते बनाते चाय नहीं बनाना चाहिए बहुत चुभ होता है जूठा हो जाता है। अरे बेटा मम्मी को बोलो चाय का ऑर्डर है। यहाँ चाय का सामान नहीं है जिसको चाय पीना है वो अंदर से सामान लेकर आए। तो यहाँ पे आलू गोभियों को हम फ्राई करेंगे सबसे पहले जो हमारा देसी ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से बना रहे हैं हम। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक और यहाँ पे चल रही है खीर की भी प्रिपरेशन। साथ ही साथ यहाँ पे चूल्हा का पूजा हम कर चुके हैं और आंवले का पेड़ का भी पूजा कर चुके हैं। खीर में घी में फ्राई कर रहे हैं इसको चावल को और फिर उसके बाद इसको हम पीसेंगे। हाँ पीसेंगे फिर उसके बाद हम पीसेंगे थोड़ा इसको दरदरा पीसेंगे ज़्यादा नहीं पीसेंगे। हाँ उस पीसने के बाद इसको फिर पकाएंगे फिर नारियल घस के आगे का प्रोसेस फिर दिखाएंगे आपको। हाँ आगे का प्रोसेस दिखाएंगे और इसको हम पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे। शैलो फ्राई करके गोभी को अच्छे से थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें गोल्डन टाइप तब तक और इसमें भी गोल्डन है हल्का सा गोल्डन डालना बहुत ज़्यादा थोड़ा ड्राई हो जाए क्योंकि गीला है। तो झटपट बना रहे क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है सारी चीज़ें बाहर लाने में। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट करने में ये सब अरेंजमेंट करके रखा है विदाउट ओनियन एंड गार्लिक बन रहा है ये सब खाना। इसमें बिल्कुल प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं है और ऊपर है आंवले का पेड़। और वहाँ पापा जी देख रहे थे हमारा खाना बनाना दर्शक बनके लेकिन बोर हो के अब जा रहे हैं और बोले खाने आऊँगा डायरेक्ट। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारी दीदी की। क्या लेकर आ रही थी मालिश कराने के लिए पापा जी की मालिश के लिए। इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि ये भाप पे अच्छे से पक जाए। बाकी हमने यहाँ पे देखिए आटा वगैरह प्रिपेयर करके रखा है ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन है यही सब करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। कोई ना सब बच्चे लोग अभी छत पे खेल रहे हैं और बन जाएगा ये भी। तो सिम पे कर दिया है जब तक ये हो रहा है फ्राई तब तक मैं यहाँ पे टमाटर काटूंगी। तीन टमाटर रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गोभियाँ और देखिए इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन आने लग गया है। अभी थोड़ा सा और फ्राई होगा ये बस थोड़ा सा इसका कच्चापन और चला जाए फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पर टमाटर कट चुके हैं और खीर का देखिए कितने अच्छे से पहले से ही ये इसमें घुल गया पानी में। अब इसमें दूध डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए चावल पहले पानी में फिर इसके बाद इसमें दूध डालेंगे हम। करीबन हमने
डेढ़ लीटर दूध है, करीबन डेढ़ लीटर दूध डाल के इसको पका रहे हैं। और ये देखिए, आंवले के पेड़ के नीचे आलू वगैरह सब बॉइल्ड है, और इसको छील को भी छील के भी रखा हुआ है। मैंने इसमें इलायची डाला है और चावल को भून के पीसा है, और पहले इसको पानी में पकाया क्योंकि दूध की क्वांटिटी हमारे पास कम थी, इसलिए अभी इसमें नारियल भून के थोड़ा सा डालूंगी। देखिए, और बहुत बड़े पतीले में बन रहा है, पतीले का साइज देखिए एल्युमिनियम का, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा खीर पूड़ी और सब्ज़ी बनेगा। ये बड़ी सी कढ़ाई है, इसमें भर के हम सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ बच्चे भी आ चुके हैं क्या क्या बन रहा है ये देखने के लिए। देखिए, खीर है, हाँ खाओगे ना गुरुद्वारे में जैसा। चलो बताओ, सबको बताओ, खाओगे आप? खाओगे आप? अरे आप खाओगे? सुभाष मैं पूछ रही हूँ आपसे, खाओगे? हाँ। क्या क्या खाओगे? आलू, खीर। अच्छा, पूरी। वाओ, टेस्टी लगता है ना। और आज आंवले के पेड़ के नीचे सुभाष हमारी हेल्प कर रहा है बनाने में खीर पूड़ी सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। साइड हो जाओ बेटा, चलो बैठ जाओ उधर जाके। तो देखिए, गोभी अब हो चुका है। इस स्टेज पे हम सारी गोभियों को प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट रख रखा है जिसमें टमाटर के थोड़े बहुत बीज और टमाटर काटा था इसीलिए। तो धीरे धीरे करके सारी गोभी मैं ऑयल को सेपरेट करते हुए निकाल लूँगी। तो यहाँ पे विदाउट ओनियन एंड गार्लिक बन रहा है। ये देखिए, टमाटर हमने इसमें डाल दिया तेज पत्ता और मिर्च के साथ। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी बहुत ही डिलीशियस बिना प्याज लहसुन की सब्जी, आलू गोभी की। ये देखिए, और इसके साथ बना है खीर। और यहाँ पे बन चुका है खीर। ये खीर बना है विथ लोडेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क। और यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ। इसको पूड़ियों को मैं फ्राई कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी एंड रेडिश रेडिश पूड़ियाँ बन रही है, कितनी अच्छी। अभी दीदी दीदी का मोबाइल ही फ्राई हो जाता है। बट बच गया। ये देखिए, यहाँ पे भी पूड़ियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन। यहाँ ठोका जा रहा है और यहाँ पे छाना जा रहा है। यहाँ भरा जा रहा है, यहाँ ठोका जा रहा है, यहाँ छाना जा रहा है और वहाँ खाया जाएगा घर में। तो बस ऐसे ही हमारा आज का डिनर बन रहा है आंवले के पेड़ के नीचे। आप सबको अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी आइए और फिर पूरी का आनंद उठाइए। हाँ दीदी, कुछ कहना चाहती है दीदी? आप लोग भी आइए और खीर पूड़ी का आनंद उठाइए। आनंद उठाइए। एक बार और बोली दीदी, आप आंवले के पेड़ के नीचे पूड़ी का आनंद उठाइए। और अक्षय पारंपरिक जो डिश होता है, दाल वाली पूड़ी, खीर और आलू गोभी की सब्जी बिना प्याज लहसुन के।
जो कि बहुत टेस्टी बनता है बिना प्याज लहसुन के। केला का पत्ता दे दीजिए। और नारायण भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर भंडार भरे और सबको खुश रखे। ये देखिए आंवला कितना भरपूर लदा लद पेड़। और ये आंवला का पेड़ हमारे कैंप एरिया में ही है। ये देखो, भूख लगी है बच्चों? बच्चों को भी भूख लगी है। तो अब जल्दी जल्दी से हम सर्व करते हैं। सबसे पहले हम नारायण भगवान को यहाँ पे सर्व करेंगे। हाँ, थैंक यू। और यहाँ पे अक्ष का, छोटे वाले बेटे का, ये देखिए क्या कलाकारी है। चलिए अब सबसे पहले हम नारायण भगवान को यहाँ पे भोग लगाएंगे, उसके बाद हम घर वाले मेंबर्स को भोग लगाएंगे, सबको खिलाएंगे। और बने रहिएगा व्लॉग्स में, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं थोड़े देर बाद। लग रहा है लेकिन चरण लक्ष्मी नारायण तू मत लेके जाना मम्मी। तो यहाँ पे देखिए हमने नैवेद्य चढ़ा दिया नारायण जी को, और यहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे। अब नैवेद्य चढ़ाने के बाद, मम्मी जी ने नैवेद्य चढ़ा दिया है, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। ये देखिए, तो आई होप आपको हमारा ये मिथिला कल्चर का आंवला नवमी पूजन बहुत अच्छा लगा हो और कुछ अच्छा सा स्पेशल आप लोगों ने देखा हो इस व्लॉग में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मिथिला, जय बिहार।